वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग। हम अपनी इस चैनल पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल कम्पटिटिव वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जेई का या टीजी सेकंड का या यूपीसीएल का या जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ आज के इस सब्जेक्ट में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पर विचार करेंगे। शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से हम करेंगे। जो भी बच्चे अभी नहीं समझ पाए हैं, जो भी स्टूडेंट अभी कुछ नहीं समझ पाए हैं, वो बिल्कुल समझ लीजिए जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो हम यहाँ इस लेक्चर में हम थोड़ा सा मटेरियल पर क्लासिफिकेशन करेंगे। मटेरियल पर बहुत ज़रूरी है क्लासिफिकेशन करना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर है, कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो सकती है, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें पूछता है जो हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हम पढ़ते तो हैं कि आपका सिल्वर भी कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, उनका क्रम हम भूल जाते हैं क्योंकि क्रम से होते हैं। क्रम पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उनके ऑर्डर पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ये जो कंडक्टर होते हैं इसका टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। कुछ लोग रट लेते हैं, रटने से वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका पॉजिटिव पे टिक करें कि निगेटिव पे टिक करें। बहुत जो है कन्फ्यूजन क्रिएटिंग प्रॉब्लम होती है। फिर इसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली कंडक्टर से रिलेटेड हैं, देखने में तो ईजी लगते हैं लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो पाता है। जैसे हम आप पढ़े भी होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस बहुत किताबों में लिखा है टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, बट क्यों बढ़ता है ये इसमें हम अच्छे तरीके से इस पर विचार करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका रेसिस्टिविटी कितनी होती है, इन सारी बातों को हम कंडक्टर से जो भी चीज़ रिलेटेड है हम सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एक बात और, जैसे क्या है कि इंसुलेटर तो सभी लोग पढ़ते हैं, डायलेक्ट्रिक भी सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर को एक ही में जोड़ देते हैं, उसका भी तो डिफरेंस जानना जरूरी है कि डायलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है जो डायलेक्ट्रिक में नहीं होती, डायलेक्ट्रिक की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इंसुलेटर में नहीं होती। इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। इन सबको जानने के लिए हम सबसे पहला सब्जेक्ट के सबसे पहला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल रखते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। पदार्थ का वर्गीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी भी लिखते जाइए, हम हिंदी पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि लड़के हिंदी में ही ज़्यादा पढ़े होते हैं जेई का और टीजी सेकंड का। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण में हम सबसे पहले पदार्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो है आपका क्या, कंडक्टर। देखिए हम पदार्थ बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब भी जानिए कि पदार्थ है जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं, जिसमें वेट होता है, जो स्पेस कवर करता है, वह सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अगर इसके बारे में जानना चाहें तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो वो कण होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है एटम के केंद्रीय भाग सेंट्रल पार्ट में होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है जिससे सेल का निर्माण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आसानी से फ्री हो सके, फ्री टू रोटेट, फ्री टू कंडक्ट, आसानी से कंडक्ट होने के लिए फ्री हो सके, ऐसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपने जान गया। तो कंडक्टर में होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग 10^22 के हिसाब में होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की इसमें जो संख्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसकी हम रेसिस्टिविटी की बात करें जिसको हम हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, इसको हम आगे बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है,
यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसकी रेसिस्टिविटी 7.8 ओम मीटर दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब उसके एक मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस इतना ओम है। ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो अबाउट 10^8 ओम मीटर के लगभग में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट करिए, इसकी रेसिस्टिविटी इतनी होती है। देखिए अगर हम इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करें, जिसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक हिंदी में कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो अल्फा बराबर होता क्या है, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू आर वन इंटू डेल्टा टी। हम बताएंगे फार्मूला कहाँ से आया, कैसे बना। आप यहाँ पहले जानिए कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो क्यों होता है ये जानिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, देखिए बेसिकली होता क्या है, जब कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो ऑलरेडी कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं, तो उस पर भी उनको जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो मूव करने के बजाय विब्रेट करने लगते हैं। ड्यू टू विब्रेटिंग, इसी विब्रेटिंग के कारण वो मूव नहीं कर पाते हैं। जब मूव नहीं कर पाएंगे, जब कंडेंसन उनका नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए जब हम किसी कंडक्टर की बात करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका रेसिस्टेंस, मान लीजिए कंडक्टर है, मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका रेसिस्टेंस मान लीजिए 17 ओम है, तो बाद में जाहिर सी इससे बढ़ेगा। मान लीजिए टेम्परेचर के बाद 20 हो गया, बढ़ गया, तो 20 में से 17 हम माइनस करेंगे तो 3, ये पॉजिटिव ही तो आया। इसीलिए इसका कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। जनरली ये मेटल ही होते हैं, इसीलिए मेटल होने के कारण इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 4 से कम होते हैं, लेस देन बिलो 4, 4 से कम होते हैं, क्योंकि कंडक्टर जनरली मेटल के ही होते हैं। अब मेटल के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं, अरे भाई तभी तो मेटल हो सकेगा, 4 से कम होगा तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर सकेगा, साझा कर सकेगा, दे सकेगा, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसीलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 से कम होते हैं, ताकि ये दे सके, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सके। जनरली क्या होता है, ये मेटल होता है। तो यहाँ तक हमने आपको सारी बातें लगभग जो ज़रूरी थी मैंने अभी तक बताया। अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे, इसको हम थोड़ा हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हाँ, हम आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट विचार टॉपिक पर थोड़ा सा हम वो करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा अगर कोई कंडक्टर होता है तो वो होता है आपका सिल्वर। इसको हम क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर में होता है। लेकिन अगर ये पोलो पर यूज कर दिया जाए, तो शाम को यूज कर दो, तो जाहिर सी बात है कि कल सुबह तक नहीं बचेगा, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। इसलिए अच्छा कंडक्टिविटी तो इसकी वेस्ट होती है, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर पूछता है, विच इज़ द बेस्ट टॉपिक, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल। ऑप्शन में आपको देता है चांदी सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल होता है। चांदी के तुरंत बाद आपका क्या आता है, चांदी के तुरंत बाद आपका कॉपर आता है, कॉपर के बाद आपका एल्यूमिनियम नहीं आता है, कॉपर के बाद आपका गोल्ड आता है, गोल्ड के बाद आपका एल्यूमिनियम आता है। आज के समय में एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है, इजिली ये फाइंड मिल जाता है, इजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसलिए ज़्यादातर यूज हम किस क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। तो ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को आप ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्रम होता है ये कंडक्टर मटेरियल्स का, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होते हैं, लेकिन आप कभी आपने ये सोचा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, आखिर तभी तो इनमें मूवमेंट होता है, तो आखिर हमारा ये बल्ब है, ये फैन है, टीवी है, कुछ भी क्यों नहीं चलता है,
चलना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हमेशा मूवमेंट में होते हैं, क्योंकि वो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी हमेशा मूवमेंट में होंगे ही होंगे। लेकिन आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड न होने से आखिर हमको कुछ मिलता क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव तो करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम से जाकर टकरा करके अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। यानी कि ऐसे गए, टकराए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे, मतलब इनका जिग जैग मोशन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मोशन जीरो होता है, इसीलिए हमें कोई रिजल्ट गेन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, अपनी एनर्जी तो लॉस करते हैं, जो एनर्जी जितना लॉस करते हैं उतना उनको एक्सटर्नल सोर्स से मिल जाती है, और जो एनर्जी लॉस करते हैं वही एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होती है, जिससे कोई भी ऑपरेटर्स आसानी से, जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई भी ऑपरेटर्स हुआ वो हीट हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, जो एनर्जी लॉस करते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से उनको मिल जाता है, बाहरी सोर्स से उनको मिल जाता है, जिससे वो लगातार मूवमेंट में बने रहते हैं। तो अगर हम एनर्जी बैंड के कंडीशन पे हम देखें, तो एनर्जी बैंड के आधार पे देखें तो मटेरियल को एनर्जी बैंड के आधार पर भी वो किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो एनर्जी बैंड में अगर हम देखेंगे तो तीन प्रकार का एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड तीन प्रकार का होता है। एक सबसे ऊपर जो बैंड होता है उसको कंडेंसेशन बैंड कहते हैं, जो बीच में होता है उसको फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कहते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में बेसिकली होता क्या है कि बैलेंस, इसमें फॉरवर्ड एंड एनर्जी गैप नहीं होता, बैलेंस बॉन्ड जो है कंडक्शन बॉन्ड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब क्या है कि बहुत ही आसानी से बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं और क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये कंडक्टर का टोटल आपका स्टडी हुआ, टोटल आपका इसके बारे में जितना भी संभव चीज़ें थी मैंने सब बता दिया। अब हमारे अगले वीडियो में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डीपली स्टडी किया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।